हेलो मेरे जिगरी यारों, ख़त्म हुआ आप सब लोगों का इंतज़ार, क्योंकि पेश है आपके सामने आपका अपना दोस्त, आपका अपना यार सुनील कुमार। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे जो है JBL Flip 3 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर की, और करेंगे इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग और देंगे इसके ऊपर अपना रिव्यू। तो हमारे पास ये पोर्टेबल स्पीकर आ चुका है और स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और वही, जैसा कि आप लोगों को पता है, उसके लिए हमें अपना स्पेशल औजार चाहिए जिसका नाम है रामपुरी, और रामपुरी अपने पास आ चुकी है। इसे हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो सस्पेंशन के लिए इन्होंने इसके अंदर ये बलून डाले हुए हैं हवा वाले, तो ये इसको झटके से बचा लेते हैं। और दूसरा है इसके अंदर हमारा JBL Flip 3 का बॉक्स, ये पैक है अभी, तो इसको निकालते हैं और करते हैं इसकी अनपैकिंग। फिर रामपुरी की सहायता लेनी पड़ेगी, और ये लो। ये लीजिए। तो देखिए, हमारे पास आ चुका है ये Flip 3 मॉडल, और अब हम इसको करेंगे, खोलने जा रहे हैं इसका द्वार और इसके अंदर क्या निकलता है देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर निकला है उसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर ये समथिंग कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन कोई भी इसे यूज करता नहीं है, जिसे बोलते हैं यूजर मैनुअल, और कोई भी इसे नहीं खोल के देखता, सब लोग अपनी कॉमन सेंस से ही चला लेते हैं। तो हम भी इसको नहीं खोलने वाले अभी। हम इसके बाद इसके अंदर देखेंगे, पैक होकर निकला है इसके अंदर मेन इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा JBL Flip 3, और देखते हैं कैसा है। ये देखिए, कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है, सिलेंड्रिकल शेप में है, JBL का इसके ऊपर लोगो है, JBL लिखा हुआ है, और ब्लूटूथ का है यहाँ पे। ये है वॉल्यूम कम करने के लिए, वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए प्ले का बटन है, और ये सब टच बटन नहीं है, सिर्फ दबाकर चलने वाले बटन्स हैं। यहाँ पे पावर के लिए है, और इनपुट के लिए इसके अंदर दे रखा है एक ऑक्स का ऑप्शन, इसमें ऑक्स से भी इनपुट आप कर सकते हो। और इसके साथ USB चार्जिंग के लिए यहाँ पे एक स्लॉट है, USB चार्जिंग के लिए इसके अंदर एक डाटा केबल भी मिलती है साथ में, जो इसके साथ फ्री है। और इसके साथ कोई स्पेशली चार्जर फ्री नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि हमें वो चार्जिंग अपने ही मोबाइल के चार्जर से करनी पड़ेगी, कोई भी मोबाइल का चार्जर लेकर हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें अनबॉक्सिंग के बाद टेस्टिंग करनी है इस JBL के पोर्टेबल स्पीकर की। चलिए बॉक्स कंटेंट भी देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर हमें क्या क्या लिखा मिलता है, कैसे ग्राफिक्स हैं, क्या चीज़ है इसके ऊपर। देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है JBL Flip 3, और उसके कुछ इसके ऊपर उसके बारे में लिखा हुआ है कि ब्लूटूथ स्पीकर है, पोर्टेबल स्पीकर है, वगैरह वगैरह, जिस तरह से इस पर यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये पानी के ऊपर रखा हुआ है, तो इससे ये भी पता चलता है कि वाटरप्रूफ भी है। ये इसी चीज़ को शो करने के लिए लिखा है, यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा है कि ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होती है, और जो इसकी वाटरप्रूफ होने की पावर है वो IPX7 है, IPX7 लेवल का वाटरप्रूफ है। तो इसके बाद इस तरफ पे भी कुछ नहीं ज़्यादा दिया हुआ, यहाँ पे Flip 3 लिखा है, स्पीकर का डिज़ाइन बना हुआ है, और वही यहाँ पे इसके कुछ फीचर लिखे हैं कि ब्लूटूथ स्पीकर है, पोर्टेबल स्पीकर है, वगैरह वगैरह। इस तरफ की बात करते हैं, यहाँ पर भी यही लिखा, यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा हुआ है, 10 आवर बैटरी के बारे में लिखा, IPX7 के बारे में बताया हुआ है, तो इस पर कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। यहाँ पे इसकी MRP वगैरह लिखी हुई है, इसकी MRP है 7999, लेकिन ऑनलाइन मैंने अभी परचेज़ किया तो मेरे को मिला है 4999 का, यानी ये करीब 5000 रुपये का मैंने अभी ये ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो ऑनलाइन लेने में ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको ये ऑनलाइन लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूँगा,
और हाँ दोस्तों, मेरी एक वेबसाइट भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दूंगा। वहाँ पे भी मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों के रिव्यू और कुछ अलग तरह के रिव्यू, कुछ पोस्ट देता हूँ। जिन लोगों को पोस्ट पढ़ने का शौक है वो मेरी वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है etrwe.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके फीचर्स के बारे में और इसके लुक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आती है इसकी लुक्स। लुक्स में देखिए, ये बना है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में और लुक इसकी काफ़ी अच्छी बनी है। इसकी लुक्स को भी बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि ये वाटर रेजिस्टेंट भी रहे और ड्यूरेबल भी रहे, क्योंकि इसके फीचर्स में ये भी तो मेंशन है ना कि ये ड्यूरेबल है और ये वाटरप्रूफ है। और बिल्ड क्वालिटी इसकी देखिए काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, बहुत अच्छा लगता है इसको हाथ में पकड़ के भी अच्छा लगता है। जब आप इसको टच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे तरीके के मटेरियल से बनाया हुआ है और कितने अच्छे से इसके ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग तैयार की गई है। और जैसा कि हमें देखने से लग रहा है, इसके साइड में इसके वूफर टाइप का कुछ लगाया हुआ है। तो इसको चला कर पता करते हैं कि कैसे इसकी आवाज़ आती है। तो देखिए, चला कर इसकी आवाज़ की टेस्टिंग करते हैं कैसे इसकी आवाज़ आती है और कहां कहां से इसकी आवाज़ आती है। साइड से इसकी आवाज़ आती है, ये वूफर है या स्पीकर है, ये क्या चीज़ है, हमें चला कर ही पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग। पावर के बटन को प्रेस करके रखते हैं 2-3 सेकेंड के लिए और ये स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये ऑन हुआ, इसके अंदर इसकी एक ट्यून बजी है जो ऑन होने पर चलती है और उस टोन के अंदर हल्की सी बेस आई है जिसको मैं अपने हाथ पे महसूस कर सकता हूँ। तो लग रहा है कि आवाज़ कुछ ज़्यादा ही अच्छी होगी। तो चेक करते हैं, चलिए इसकी आवाज़ को कनेक्ट करते हैं इसको एक मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि ये ब्लूटूथ स्पीकर है तो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके इसकी आवाज़ की टेस्टिंग करते हैं। देखिए, इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, मतलब कि हमें कुछ भी नहीं करना है, ब्लूटूथ की सेटिंग में जाना है। जैसे हम नॉर्मली कनेक्ट करते हैं वैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे। और मैंने ब्लूटूथ वाले इसके बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखा था और ये लाइट ब्लिंक करने लग गई है, इट मींस ये विजिबल हो गया है। और मोबाइल में इसको सर्च करेंगे, JBL Flip 3 SE के नाम से इसमें शोर है। और हम इसको कनेक्ट करेंगे। अभी ये हमें पूछ रहा है कि इसको एक्सेस करना है कॉन्टैक्ट्स पे और कॉल हिस्ट्री पे और इसको पेयर करना है, तो मैं इसको पेयर कर देता हूँ। ये लीजिए, पेयर हो चुका है क्योंकि पेयरिंग की टोन आ चुकी है। तो अब हम कोई सॉन्ग प्ले करेंगे और देखेंगे कि कैसी इसकी साउंड आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ सॉन्ग्स को चलाकर। आवाज़ काफ़ी अच्छी है और हाथ में मुझे बेस भी महसूस हो रही है। जिस तरह से मैं बता रहा था कि इसके साइड में कुछ स्पीकर के टाइप का है, वो वैसे ही मूव कर रहा है जैसे वूफर मूव करते हैं, वूफर का पर्दा होता है वैसे ही मूव करता है। तो देखने से लग रहा है कि साइड में वूफर हो सकता है और स्पीकर इसके सेंटर में है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, बेस साइड से आ रही है, साइड में वूफर हो सकता है। हम सॉन्ग को चेंज करके कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करके देखेंगे, फिर किसी पे कॉपीराइट भी आ सकता है तो मुझे वो ऑडियो रिमूव करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं दूसरे सॉन्ग को प्ले करके आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अच्छी साउंड है, बेस का अलग से पता चलता है कि इसके अंदर बेस भी बज रही है। नॉर्मली आप कोई भी आप पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर चलाओगे तो उसमें आपको बेस का ऐसे नहीं पता चलता जिस तरह से JBL में पता चलता है। आप ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई नॉर्मल पोर्टेबल स्पीकर ले रहे हो, नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर ले रहे हो हाथ में, आपको लगेगा कि आप एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम लेके चल रहे हो साथ में, बहुत अच्छी साउंड है। अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा,
अगर आप कहीं पे आउटडोर आप बाइक पे घूम रहे हो, आपको सॉन्ग सुनने का शौक है बाइक पे घूमते हो, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अच्छी साउंड है, आपको एक अच्छी फील देता है सॉन्ग को सुनने की। काफी अच्छी साउंड है। सरफेस पे रखने के बाद तो इसकी साउंड का मजा ही कुछ और है, सरफेस पे रखने के बाद साउंड कुछ अलग ही सुनने लगती है। अच्छी साउंड बनाई है JBL ने इसकी। अगर आप दोस्तों 4,000 से 5,000 रुपए खर्चना चाहते हैं एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर के लिए, तब तो स्पीकर बहुत ही अच्छा स्पीकर है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी साउंड है और काफ़ी अच्छी तरह से बेस का भी पता चलता है, आपको ये नहीं लगता कि आप नॉर्मल स्पीकर ले रहे हो। तो आपके लिए बहुत अच्छा स्पीकर है। और जब भी कोई ब्लूटूथ स्पीकर लेता है, पोर्टेबल स्पीकर लेता है, उसमें बंदा चाहता ही क्या है, यही चाहता है कि वो कहीं पे जाए और वो साथ में गाने भी सुने, और वो जो गाने वो सुन रहा है, वो जो सॉन्ग्स वो सुन रहा है, उनको सुनते हुए उसको अच्छा लगे। ऐसे नहीं कि बस वो सॉन्ग्स चल रहे हैं, स्पीकर नॉर्मल स्पीकर की तरह एक बाजा बज रहा है, ये फील अच्छी नहीं लगती। फील अच्छी लगती है ये वाली, देखो इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से बेस का भी पता चलता है कि बेस उसके अंदर बज रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से म्यूज़िक आ रहा है, क्लियर साउंड आ रही है बिल्कुल। वैसे तो JBL का नाम है, JBL को सब लोग जानते हैं कि जो JBL बनाती है क्लियरिटी वो अलग ही होती है, कुछ अलग ही लेवल की साउंड निकालती है, क्लियर साउंड होती है और बेस तो हर एक चीज़ में इनकी मिलेगी आपको। तो ये बहुत अच्छी साउंड है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि वैसे इसकी जो मार्केट में कॉस्ट है 8,000 रुपये है। अगर आप अमेजन से परचेज़ करते हो तो आपको ये 5,000 रुपये तक पड़ जाएगा, और आप इसको EMIs पे भी ले सकते हो, वहाँ पे EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप चेक कर सकते हो। तो जिस तरह से इसके बारे में बताया हुआ है कि ये ड्यूरेबल भी है, वाटरप्रूफ भी है, उसके बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं अपनी वेबसाइट पर डालूंगा, और उसकी लिंक मैं बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख कर मेरी साइट पे जाके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरी और भी जो पीछे वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड भी मैंने कुछ उस पर अपनी वेबसाइट पे पोस्ट डाली हुई है, आप वो भी वहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक छोटा सा रिव्यू जो था हमारे JBL Flip 3 के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थोड़े ही दिनों में मैं इसका आउटडोर भी आपके लिए बनाऊंगी, आउटडोर इसकी आवाज़ कैसी आती है, बाइक पे घूमते हुए इसकी आवाज़ कैसी आती है, कुछ ऐसे भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता लगे जब आप लोग घूमने जा रहे हो तो आप इसका मज़ा ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, वो वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों कीप सपोर्टिंग, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मेरा चैनल इतना तरक्की कर रहा है,
आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल के अभी 2670 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आप लोगों के सामने मैं बस एक छोटा सा अपना टारगेट रखता हूँ, सिर्फ 10K सब्सक्राइबर्स का। 10K सब्सक्राइबर्स आप मेरे कर दीजिए जल्दी से, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाऊं और अच्छा कंटेंट लाऊं, जिससे आप लोगों को हर उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले जो आप लेना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपको पहले पता लगे कि वो आपके लिए कैसी है, आपके लिए सही है या नहीं है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कीप वॉचिंग, बाय, सी यू, लव यू ऑल।